चाहे बारिश बरसो, बादल बरसो, चाहे बिजली बरसो, आवाम के लिए आप यहाँ पे आना है। हमारे को आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, क्यों बोले तो आज साउथ के अंदर मैं आवाम की खिदमत करने के लिए आ रहा हूँ, और नॉर्थ में हमारे नासिर उस्ताद भाई आज वहाँ पे भी एक प्रोग्राम था। हम अपोजिशन पार्टी वालों को रोक सकते हैं, ये अल्लाह का बारिश गिरा हुआ बारिश को हम रोकने का तो ताकत हमारे पास नहीं है। This video presented by Barker's Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. तो अच्छे के लिए ही बरसता है। तो आज मैं बोलना चाहता हूँ, ये बारिश में हम लोग ठहर के आज ये प्रोग्राम में उबैदुल्लाह खान साहब को यहाँ पे बुलाए। सब बारिश बरसो, बादल बरसो, चाहे बिजली बरसो, आवाम के लिए आप यहाँ पे आना है। हमारे को आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, क्यों बोले तो आज साउथ के अंदर मैं आवाम की खिदमत करने के लिए आ रहा हूँ, और नॉर्थ में हमारे नासिर उस्ताद भाई आज वहाँ पे भी एक प्रोग्राम था। हम अपोजिशन पार्टी वालों को रोक सकते हैं, ये अल्लाह का बारिश गिरा हुआ बारिश को हम रोकने का तो ताकत हमारे पास नहीं है। आज जो प्रोग्राम हो रहा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये भाई आवाम के लिए मैं खिदमत करने के लिए आपके बीच आया हूँ। आज पूरे जो भी नौजवान मेरे बुजुर्ग लोग जो MSP जिलानाबाद के, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, कई सालों से यहाँ पे BJP हुकूमत कर रहा है, BJP के खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी आवाज उठाने के लिए इनके पास दम नहीं है। आज मैं ये भाई यहाँ का जो MLA दत्तात्रेय पाटिल के खिलाफ हर एक इशू के अंदर मैं आवाज उठाया हूँ, मैं आवाज उठाया हूँ। आज कांग्रेस पार्टी को BJP पार्टी को डर के हम लोग सियासत करने नहीं आए। हमारे बीच बहुत सारे मसले थे मुसलमानों के बीच, जब हिजाब का इशू आया, जब अजान का इशू आया, जब हलाल कट का झटका कट का इशू आया, हाल ही में 4% रिजेक्शन आज हमारे मुसलमान भाइयों का निकाला गया है। उस टाइम पे एक कांग्रेस के लीडर घरों में नींद कर रहे थे, इन्हों आके स्टेटमेंट देने के लिए आज BJP को डर के लोगों घरों में बैठे। मैं आम को मैसेज देना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी BJP को डरने वाले हुकूमत नहीं करेंगे। ये भाई जनता दल पार्टी आज BJP का मुकाबला करने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ, आप नौजवानों का खिदमत करने के लिए उतरा हूँ। जो यहाँ पे टाइम वक्त कम है, बारिश का फिर माहौल बन रहा है, उबैदुल्लाह खान साहब आपको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे लिए, नासिर उस्ताद साहब के लिए गुलबर्गा में बारिश में आप भीग लेते आए, आपको हम दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आप लोगों आपका दुआ चाहिए हमको, हम लोग तो आवाम की खिदमत करने के लिए आज मैदान में कूदे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं जिलानाबाद के आवाम को बोलना चाह रहा हूँ, ये भाई आपका खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। आप इस बार एक बार जनता दल को मौका देना है, यहाँ पे हर बार कांग्रेस का आप लोग वोट डाल रहे, BJP जीत रहा है, यहाँ पे दत्तात्रेय पाटिल जीत रहा है। आपको घोड़ा आज जाके आलम के अंदर हमारे दरगाह के सामने करके स्टेटमेंट देता है दत्तात्रेय पाटिल को बात करने का कांग्रेस वालों में दम नहीं है। ये भाई आवाज उठाया हो, मैं आज आया हूँ तो ये दत्तात्रेय पाटिल को डर के मैं सियासत करने नहीं आया हूँ। इंशाल्लाह आप दुआ करो, ये दत्तात्रेय पाटिल को घर भेजने का मैं फैसला लिया हूँ भाइयों, मैं फैसला लिया हूँ। आज हिंदू मुसलमान के बीच में ये BJP वाले जहर डाल रहे, जहर डाल रहे। जब तक हमारे बीच राजा बंदे नवाज, जब तक शरण बसपा देवस्थान टेम्पल हमारे बीच है, ये जहर जाके अमृत बन रहा है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे गुलमर्गे के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग लोग, आज बहुत सारे सीनियर लोग आज हमारे बीच रहने से ये कांग्रेस BJP पार्टी वाले हमको बिछड़ने का कोशिश कर रहे हैं, मगर हम बिछड़ नहीं पा रहे। मजबूत बन रहा है हमारा की हालत, मजबूत बन रहा है। आज मैं साउथ के आवाम को बोलना चाहता हूँ, ये इस बार का इलेक्शन
मिल्लत का इलेक्शन है, आवाम का इलेक्शन है, आप लोग को फैसला करना है। अभी सीएनआरसी हमारे बीच जिंदा रखे हुए बीजेपी वाले, ये इलेक्शन के बाद आपके बीच सीएनआरसी लाएंगे। सीएनआरसी जब गुलमर्ग में जब सीएनआरसी एंट्री मारा उस टाइम पे मेरे बड़े भाई नासिर उस्ताद साहब आवाज उठाए, उनके ख्यालत में बहुत बड़ा जलसा हुआ था, आपको मालूम था पीर बंगाली के अंदर। आज मेरे भाई और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर हम लोगों को यहाँ से एमएलए बना के आप विधानसभा भेजेंगे, आज कांग्रेस के लीडर आज खिदमत करने के लिए बोल रहे मुसलमान हमारे साथ है, हम सेकुलर है बोल के, जब मुसलमानों का इश्यू आया कांग्रेस का लीडर अल्लाह प्रभु पाटिल घर के अंदर कोरोना में सो गया था। अल्लाह प्रभु पाटिल वो ताकत नहीं बचा अल्लाह प्रभु पाटिल में अपने इसमें विधानसभा के अंदर मजबूत कागज चाहिए, बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला चाहिए। हमारे नासिर उस्ताद भाई उन्होंने भी अच्छा कन्नड़ा जानते, अच्छा वचन जानते, आज विधानसभा के अंदर आवाज उठाते, उस तरह मैं भी उनका छोटा भाई, मैं उनका छोटा भाई आज मैं भी तैयार हूँ विधानसभा के अंदर आवाज उठाने के लिए। यहाँ पे मौका टाइम कम है, फिर बारिश अगर आया तो बात करने वाले अभी नासिर उस्ताद साहब हमारे खान साहब बात करने वाले, जो आप लोग इतने बारिश में भी हमको कीमती वक्त टाइम दिए, आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्ती गति है, बरसात आ सकता है, मैं इसलिए अब दावा देता हूँ गुलमर्ग के हिंदुस्तान के गुलमर्ग टाइम में बुखार अशरफ साहब आप लोगों के सामने रुजू होंगे अपने अल्फाज को रखते हुए, बाद में हमारे कायदे मिल्लत को इस चीज का मौका देंगे। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم وقت کی پکار حالات کا تقاضا گلبرگہ شمال جنوب आप लोग बखूबी वाकिफ हैं, बहुत सालों तक बहुत टोका मैना होती रही, कौम के जज्बात से कौम के एहसास से खिलवाड़ किया जाता रहा, कौम की अहमियत और तशख्स को पामाल किया जाता रहा, हिंदुस्तान जैसे धार्मिक मुल्क गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा करने के लिए फासिस्ट ताकतें अपना हरबा इस्तेमाल करती रही। आज जरूरत है, आज वक्त का तकाजा है, आप मुत्तहिद हो जाइए, इंशाअल्लाह ताला फासिस्ट ताकतों को मुंह तोड़ कर जवाब दिया जाएगा और बता दिया जाएगा तुम्हारा अगर जुनून से सेकुलर कैंडिडेट जीत कर आएंगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वही तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया जाएगा। कभी एनआरसी के नाम पर, कभी हलाल झटके के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, ये हिंदू मुस्लिम करने वाली बीजेपी आपके जज्बात को ठेस पहुंचा रही है, आपके गंगा जमनी तहजीब को पामाल कर रही है। आज जरूरत है, आज ये गया वक्त भी हाथ आता नहीं, मैं गुलबर्गा चुनाव के कैंडिडेट अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद और जुनूब के कैंडिडेट कृष्णा रेड्डी के लिए ये शेर कहता हूँ, जल्दने जल्दने ऊंची इमारत को दिराज देते हैं, जल्दने ऊंची इमारत को दिराज देते हैं, तुमको बुनियाद के पत्थरों के लिए खौफ नहीं। आज जरूरत है, आप मुत्तहिद हो जाइए, भाले वाली औरत के निशान पर आप अपना कीमती हो किसी के दबाव में आए बगैर गंगा गंदी तहजीब को बाकी रखने के लिए हक राय दही कीजिए। ये अल्लाह की रहमत है जो बरस रही है, आप
इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गा को एक बेहतरीन कैंडिडेट अदा करेंगे। मैं आपसे यही इल्तिमास करता हूँ कि अपनी सफों में इत्तेहाद रखो, अपने किसी के बहकाने में आए बगैर अपने हक का सही इस्तेमाल करो। अल्लाह हाफिज। हर दिन हर चीज कायद मिल्लत नासिर हुसैन मुस्ताक साहब आप लोगों को खिताब करेंगे। नाइसकर तशरीफ हिंदुस्तान के मशहूर सियासी और मिली रहनुमा उबैदुल्ला खान आजमी साहब, जनता दल सेक्युलर के तमाम कायदीन, गुलबर्गा साउथ के मेरे छोटे भाई उम्मीदवार कृष्णा रेड्डी साहब, बुजुर्गो नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आदाब नमस्ते।